ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ठीक है ना एक ते बेटा ना आवाज अस बोला हूं अजाना जाना आवाज आ हूं पता नहीं मोटू पटू दी ना पीछे आवाज आई नहीं आंदी आवाज बोलो हूं आंदी पिया नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नानो के व्लॉग चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से मैं मेरी फैमिली बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं छत पे चढ़ी हूँ, देखा है कि गमले जो है इनका बड़ा बुरा हाल हुआ हुआ है, इनको गोडी करने वाली हुई है। तो मैंने कहा चलें इनको गोडी कर देती हूँ, क्योंकि जैसे सफाई ज़रूरी होती है ना वैसे इनका ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये फिर नीचे से नए पौधे निकल आते हैं जब हम इनको गोडी वगैरह करते हैं ना, नीचे से ना नए पौधे निकल आते हैं। ये जैसे अब बड़ा पौधा है ना, अब इसके नीचे से ये छोटे छोटे नए पौधे भी आ रहे हैं। ये मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो फिर आ जाए। ये टूटा हुआ टप है, ये देखे ना इसके नए पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। ये एक ये निकला हुआ है छोटा नया पौधा, एक ये निकला हुआ है, ये निकल रहे हैं इसके नए पौधे और एक ये इसका पौधा निकला हुआ है इधर एरोवेरा। तो ये बड़े सारे काम में आता है एरोवेरा, चेहरे पे लगाने से चेहरे में बड़ी प्यारी चिकनाहट दूर हो जाती है, शाइनिंग आ जाती है, स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है इससे। फिर दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जिन लोगों के घुटनों में दर्द हो ना, ये सुबह सवेरे उठ के ना इंसान तो इसको काट के ना थोड़ा सा इसका हिस्सा या एक दफ़ा ही काट लें, तो इसको काट के इसको ऊपर से छील लें और रख दें आप फ्रिज में, तो सुबह सुबह उठ के ना नहार मुँह इसको खाएं ना, तो इससे घुटनों की ये जो दर्द होती है ना, ये घुटने ये वाले घुटने बाजुओं की एल्बोज़ वगैरह इनमें दर्द नहीं होती कोई भी, बंदा ना सही रहता है। क्योंकि इसके अंदर होती है चिकनाहट, तो चिकनाहट सी लेस सी होती है ना, तो वो लेस जो होती है ना वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती है। तो ये साथ इसके ना सुंबल का पौधा लगा हुआ है, ये जब लाई थी ना मैं घर में तो इतना सा पौधा था, तो ये माशाल्लाह हमने पानी शानी इसको दिया था, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। तब मैं रिजवान से कह रही थी कि रिजवान इसको निकाल के ना तो किसी जगह लगा दो, अपने वो जो परला घर है उधर लगा दो या इधर जो हमने घर लिया इसकी जगह पर लगा दो। तो कह रहा था अच्छा आंटी जी मैं इसको कल लगा दूँगा। तो ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है, इसका मतलब होता है दौलत का पौधा। गोडी कर ली आपने? हाँ गोडी कर ली है, तो मैंने कहा ये साथ गोडी कर ली, अब इसको पानी डाल दूँ। वो पाइप पड़ा हुआ मनी प्लांट को नहीं करनी, क्योंकि मनी प्लांट की भी है ना शाखें हैं ना ये फिर कट जाती हैं, इसको नहीं करनी है, ऐसे ही चलता रहता है। इसकी क्यों रखा हुआ साथ? इसकी मिट्टी कम हो गई है ना वो डालनी है इसके अंदर। ये सिलेंडर साफ करने लगी हुई, रम को कहा था मैं कि सर्दियाँ आ रही हैं तो गैस हमारी की लोड शेडिंग शुरू हो जानी है, तो ये साफ़ करके चली जा। तो इरम ने निकम्मी ने साफ़ ही नहीं किया, तो मैंने कहा चलो ये नानो का ही काम है, चलो घर की चलो आप कर लो मैं कर लूँ। एक ही बात है ना, आपने गोडे को भी तो लगी हुई है ना चोट, तो मैं फिर इसको भी साफ़ करती हूँ। ये पानी लगा के ना वो वाला ये स्टैंड पे रखो कैमरा, तो वो पानी वाला पाइप या मुझे लाने दो मैं खुद लेके आऊँ, तो इसको मैं करूँ तो इसको मैं करूँ साफ। ऐसे गमलों को पानी दे लूँ ज़रा, रात को ज़रूर पानी देना चाहिए, दिन को भी रात को भी देना चाहिए पौधों को पानी। मैं दो पौधे हैं नानो के देखे तो इनसे भी बड़े बड़े बन जाएंगे ना इंशाल्लाह। नानो आपने इनको खाना नहीं खिलाना? कल डाला है अंडे लेके ना, तो उनका पाउडर बना के ना पीस के दोनों को डाला है मैंने कल, ग्राइंड करके ना जो अंडों के छिलके जमा हुए थे ना हमारे, तो वो मैंने इनको भी डाला है वाइट सा पाउडर बना के। किसी दिन बना के इनको भी दिखा दूंगी। और गमले भी मैंने रिजवान से कहा मुझे ला दो,
कि मैं, मुझे शौक है गमलों का, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। अभी तो चूंगे के दो गमले, चूंगे के हैं जनाब। जब मैं अनमेरिड थी ना, तो मेरा 100-100 गमला होता था, 200-200 गमला हमारे घर में होता था। तो जब तुम छोटी सी थी लाहौर में, इतनी सारी थी, तो मैंने पूरा 150 गमला रखा हुआ था लाहौर में बना के, जहाँ हम रेंट पे रहते थे। तो जब हम इधर आए हैं सियालकोट में शिफ्ट हुए हैं, तो फिर हमारे गमले बिखर बुखर गए हैं ऐसे ही बस। तो जब तक अल्लाह ने अपना घर दिया, फिर चूंगे के दो ही रह गए हैं। घर तो हर शुरू से मेरे अपना ही होता था, लेकिन अभी ये नया घर बनाया ना, तो शिफ्टिंग में ही बस गमले टूट गए, ये हो गया वो हो गया, बस ऐसे ही मसला बन गया तो हाँ, इसको धोती हूँ अब। खुश्क करना है ना इसको, पानी है वो इसके साथ ना, कपड़े के साथ धोना नहीं है इसको। वो कपड़ा दिखा दो मुझको, यहाँ वो वाला, उस हाँ उसके साथ इसको साफ कर देती हूँ ना, धोना क्या है। ये माइक गिला ना ना हो जाए फिर इसके। ना कहती हैं काम करा लो, लेकिन बैठे बैठे सारा कुछ दे दो। तो मैंने इनको सारी चीज़ें पकड़ा दी हैं, अब ये कर रही हैं खुद ही साफ। ये मैंने कहा आगे से लोड शेडिंग शुरू हो जानी है, तो चलो ये गैस की ना, तो मैंने कहा साफ कर दूँ इसको। ये साफ हो जाता है ना, फिर इसके ऊपर पानी डाल देती हूँ। पहले पानी से धो लें। चलो वो फिर ऐसे कर दिए ना, ऐ उठा लो ज़रा, मैं उठाती हूँ आप छोड़ दें। चलो साफ हो गया, कितना टाइम लगा है। तो यही अगर इरम घर जाती तो क्या मसला था इरम को, बस इरम का दिल होता है ना कि बस ऐसे ही नानो कह दे कोई बात नहीं है। ये ब्रश मैं उधर रखूं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूबर बहन भाइयों, क्या हाल है, ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, और मैं अभी अल्लाह के फजल से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूं। तो व्लॉग आप देखते ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है नानों का, पूछना तो चाहिए ना उन्होंने। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको कुछ डिफरेंट किस्म का है, कुछ अच्छा ही लगा होगा। तो वाकई रिजवान वाली बात है कि आप यूट्यूबर बहन भाई मुझे भूलते जा रहे हैं, कमेंट्स नहीं करते, लाइक्स नहीं करते, व्यूज़ बड़े कम देते हैं। तो क्या हो गया, नानों से नाराज़ हो गए हैं आप लोग? नानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए इस उम्र में, नानो बूढ़ा होने के बावजूद, एजड होने के बावजूद देखें आपके साथ हर व्लॉग में आती है, आपको नई नई चीज़ें दिखाती है, नई नई रेसिपियाँ, नई नई एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। और हाँ, मुझे याद आ गया, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया मुझे, वो भी कर लें। तो आज के व्लॉग का इख्तिताम इस बात पर करते हैं कि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं आपको रखूँगी। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह निगहबान।